स्वागत है किसान भाइयों आपका भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना कृषि डॉक्टर गजेंद्र पटेल। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना था और वहां पे हमें कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आए। उन्होंने पूछा हमसे कि आप प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के बारे में बताइए। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों हम जानेंगे प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के बारे में। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की पहचान एवं इसके लक्षणों के बारे में। किसान भाइयों, ये जो थ्रिप्स कीट है ये प्याज की पत्तियों पर चिपक कर उसकी कोशिकाओं से रस चूसता है और रस चूसने की वजह से उसकी पत्तियों पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं और चांदी के आकार जैसे उसमें रंग हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों प्याज की बढ़वार रुक जाती है, कंद का विकास रुक जाता है और हमारी फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाती है और उत्पादन के ऊपर काफ़ी गंभीर प्रभाव देखा जाता है। तो ऐसा हमारी फसल में ना हो, हमारी फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो, लाभ अधिक मिले, तो आइए जानते हैं इसके नियंत्रण के प्रबंधन के उपाय के बारे में। पहला उपाय, अपने खेत में नीले स्टिकी ट्रैप 10 प्रति एकड़ स्थापित करें और स्थापित करने के बाद में एक बात का खास ख्याल रखना है आपको कि जब आप स्थापित करेंगे तो अपनी फसल से 1 फीट ऊपर इनको स्थापित करेंगे, जिससे कि प्रौढ़ कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर इनमें चिपक जाएंगे, जिससे आप इनकी निगरानी कर रासायनिक दवाओं से इनका नियंत्रण समय पर कर पाएंगे। दूसरा उपाय, किसान भाइयों अपनी फसल में निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक प्रयोग करने से फसल में हरापन ज्यादा आता है, जिसकी वजह से थ्रिप्स कीट इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा और आपकी फसल में इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा उपाय, किसान भाइयों अपनी फसल में नीम तेल 10,000 ppm आपको लेना है और इसकी 30 ml मात्रा प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करना है, जिससे आप प्रभावी रूप से थ्रिप्स कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। चौथा, किसान भाइयों बर्टीसिलियम लेकानी 800 से 1000 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ अच्छे तरीके से घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर आप थ्रिप्स कीट के ऊपर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। पांचवा, किसान भाइयों PI कंपनी का कीफन ये दवा 400 ml लेनी है और उसमें आपको 200 लीटर पानी मिलाना है और मिला करके प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना है। छठा, किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का कराटे 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ अच्छे तरीके से मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। सातवां, किसान भाइयों बायर कंपनी का जंप ये आपको 30 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के बारे में। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।